हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूल ही में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का कुछ मिक्स क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी ये तीन नाम आपको दे देते हैं। इस नाम से भी कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर पी बटा एच होता है। पी बटा एच, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पी, और यह होता है एच और यह है बी। तो पी का मान कितना मिला है हमको, 3, और एच का मान मिला है 4। तो हमको निकालना है पहले बी, यानी आधार निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह पर हमको कितना मिला है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी के जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 किया 9। 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 7, और 7 का वर्गमूल होता नहीं है। अब चलिए, हमारे पास b का भी मान हो गया, यह हो गया रूट सात हो गया। p, h और b तीनों का मान निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है cos और tan के मान। अतः कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर एच, बी बटा एच होता है। बी का मान है √7 और एच का मान है 4। यह हमारा कॉस थीटा का मान निकल गया। अब देना है टेन का मान। टेन ए है, थीटा नहीं है बल्कि ए है। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर बी, पी बटा बी। पी का मान कितना है, 3, और बी का मान है √7। इस प्रकार हम लोग जो है कॉस और टेन का मान निकाल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि वह कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग देखें दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि मिक्स क्वेश्चन है, अभी आपको सिखाया जा रहा है, बाद में एक्सरसाइज को बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो sin थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ चूंकि दिया हुआ है 15 cot थीटा बराबर है 8, 15 cot थीटा बराबर है 8, या cot थीटा बराबर हो जाएगा 8 तो पहले से बटा 15, या 15 हो गया। देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, नाम तो डाल दिए, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लंब, यानी P, और यह है कर्ण जिसको H, और यह है आधार इसको B से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास है cot थीटा बराबर 8/15, cot थीटा बराबर है 8/15। तो cot का फॉर्मूला होता है b बटा p, यानी b के जगह पर कितना मान होगा, 8, b के जगह में होगा 8, और पी के जगह में होगा 15, पी के जगह में होगा 15। तो इसमें जो तीसरा भुजा है एच, इसको निकालना होगा। तो एच का फॉर्मूला होता है एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान है हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी में है 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ 8 देखते हैं, 15 को गुना कीजिए। तो 15 को गुना करेंगे तो यह होगा 2,
यानी 15 15 का गुना हो जाएगा 225, 8 8 का गुना हो जाएगा 64। 225 और 64 को जोड़ते हैं, 225 और 64 को जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 289। 289, 289 का वर्गमूल होता है 17, इसको वर्गमूल निकालना है, तो 289 का वर्गमूल हो गया 17। तो अब एज का भी मान निकल गया है 17। अब हमको आंसर देना है, तो इसमें साइन और सेक का मान आपसे पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है प्रश्न से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। पी का मान कितना है 15 और एच का मान है 17, हो गया आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। एच का मान यानी कर्ण का मान कितना मिला है 17 और बी यानी आधार का मान है 8। इस प्रकार हम साइन और सेक का मान निकाल दिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी आपके पास जो है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर है 13/12, तो इसमें आपको निकालना है साइन कॉस टेन कॉसेक, इन सभी का मान आपको निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुजा बना दीजिए, ए हो गया बी और ये है सी। तो देखिए इसको आप लोग तो बोलते हैं आधार यानी बी, और इसको कहा जाता है एच, और इसको पी यानी लंब, लंब कर्ण और आधार। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होते एच बटा बी, एच बटा बी होता है। तो एच की जगह पर हम कितना लिखेंगे 13 और बी के जगह हमें 12। एच का मान भी लिख दिया और बी का भी मान लिख दिया, तो यहाँ पर पी का मान निकालना है, पी का मान नहीं है इसीलिए पी का मान निकालते हैं। तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान है 13 का स्क्वायर माइनस बी, बी का मान है आपके 12 का स्क्वायर। तो 13 को 13 से गुना करेंगे यानी 13 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 169। 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144। 169 में से 144 को घटा देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी आपका पी निकल गया, पी जो है आपका 5 निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सभी मिलकर के कितने होते हैं 5 6 होता है। तो 6 में से तो एक का मान तो दे दिया हुआ है, बाकी जो बच गया 5 उसका मान निकालते हैं। तो चलिए प्रश्न से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बाई एच। पी का मान कितना है 5 और एच का मान है 13, ये आंसर हो गया आपका। कॉस का मान निकालते हैं तो कॉस बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच। बी का मान कितना है 12 और एच का मान है 13, इसका भी मान निकल गया। अब टेन का मान निकालते हैं, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, पी का मान कितना है 5 और बी का मान है 12 है, बी का मान है 12, यह भी आपका मान निकल गया।
साइन कॉस टेन निकल गया, सेक का तो आपको दिया हुआ है, कॉसेक का निकालते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, एच बटा पी, एच का मान है 13 और बी एच का मान हो पी है, पी का मान तो यहाँ पर 5 ने दिया हुआ है, 5 है, इसीलिए पी के जगह हमें हम क्या लिखेंगे 5। यह भी आपका मान निकल चुका है। अब एक और इसमें से देखिए ये कौन ऐसा है जो कि छूट रहा है 6 में से, जिसमें 4 तो हम लोग निकाल चुके हैं और एक जो है कि सेक थीटा है, एक और है आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, बी बटा पी होता है, तो बी का मान है 12, बी का मान हो गया 12 बटा हो गया पी का मान है 5। इस प्रकार जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग परिकलन कर चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।